मैं भूल गया था भाई, रिकॉर्डिंग में ही लगाना। चलिए अब लगा लेता हूँ, भूल रिकॉर्डिंग नहीं लगाया आपने? अरे गया मरा ली। अरे दोबारा था। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा दोबारा कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए। बता दूँ फिर से? ठीक हाँ दोबारा बता दीजिए। है, चलिए। अच्छा, कमेंट आउट करता हूँ इस कोड को। मैं क्या बताऊंगा, मुझे भूल गया मैं। गुनू बेटा मारवाड़ा बोल ले रहा, बेटा स्पीकर ले रहा, तो आवाज साफ आ जाएगा। रुकिए, मैं डिलीट कर लेता हूँ सारा इवेंट तो रिकॉर्ड कर। तो सारा कोड मैंने सारा अंडू कोड कर मैंने दिया कर पुराने दिया। जैसा। मेरा वॉइस रिटर्न आ रहा है, पता नहीं क्यों। हेलो हेलो, हाँ सही है, प्रॉपर। चल भाई, तू मिनिमाइज हो जा, तेरे चक्कर में आज हमारा लग गया। मिनिमाइज कर देता हूँ इसे। सबमिट मारा, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा था तो नहीं बॉर्डर हट रहा था, नहीं ये ब्लैक रेड कलर वाला इंटर नेम हट रहा था। तो क्या करूँगा ना मैं हटाने के लिए, सिंपल सी बात है। मैं एक मेथड बना लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं जब टाइप करने लगता हूँ तो मेथड मेरा कॉल होना चाहिए, राइट? तो एक मेथड मैं बना लेता हूँ पहले यहाँ पे नीचे। अब हम उस समय तो रिकॉर्ड नहीं किए, डिमांड है तो कर देते हैं। मेथड बना दिया, फंक्शन रीसेट कंट्रोल, राइट। यहाँ पे मैं ले लूँगा EL, मतलब एलिमेंट, राइट। अब यहाँ पे एलिमेंट को मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ ताकि पता चले कि क्या आ रहा है। EL, राइट। अब EL को प्रिंट करने के बाद इस मेथड को मुझे कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो मैं कॉल करूंगा ऊपर। इंटर नेम में मैं आया, कॉल कर दूंगा इसको, सॉरी, ऑन इनपुट पे कॉल करता हूँ। ऑन फोकस वगैरह में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस पास कर दूंगा यहाँ पे। दिस का मतलब क्या है? ये फंक्शन जिस टैग में कॉल हुआ है उसी टैग को रिप्रेजेंट करता है दिस। मैंने यहाँ पे कॉल करा, मैं कंसोल डॉट लॉग भी कर ही दिया हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आया, टाइप किया, तो देखिए पूरा आ गया ना वो एलिमेंट, तो यही दिस है, राइट। अब दिस तो मुझे मिल ही चुका है, ठीक है। जब दिस मिल चुका है तो मैं आऊँगा अब नीचे। इस एलिमेंट का मतलब, EL का मतलब पूरा एलिमेंट। ये दिख रहा है मेरे को, कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं हटा देता हूँ। EL डॉट, मुझे बॉर्डर कलर गायब करना है ना, मुझे इसका बॉर्डर कलर गायब करना है, ये जो आ रहा है रेड रेड बॉर्डर, राइट। तो कैसे गायब करेंगे? बड़ा आसान है। EL डॉट बॉर्डर स्टाइल पहले लगाऊंगा मैं, जावा स्क्रिप्ट में CSS इंप्लीमेंट करने के लिए स्टाइल पहले लिखना है, तो स्टाइल डॉट बॉर्डर, बॉर्डर कर दूंगा इक्वल टू क्या दे दूंगा, 1 पिक्सल सॉलिड BLAC ब्लैक कर दूंगा, सॉलिड ब्लैक, राइट। तो अब देखिएगा आप क्या होगा। यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे क्लिक किया, ये आ रहा है। फोकस यहाँ पे जा रहा है ना, तो ये ब्लैक दिखने लग रहा है, राइट। तो आउटलाइन के कारण ब्लैक ब्लैक आ रहा है। मैं आउटलाइन को हटा देता हूँ CSS की, CSS इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे मैं आऊँगा डॉट रिमूव आउटलाइन, यहाँ पे आया और आउटलाइन NONE नन कर दिया। अब यही क्लास में हर जगह दे दूंगा, यहाँ यहाँ पे भी दे दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा, ईमेल में भी दे दूंगा। कंट्रोल दबा के मैं सभी को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और क्लास इक्वल टू आउटलाइन, ऐसे दे दिया। अब जो है मैं माउस ले जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए आउटलाइन नहीं आ रहा है, जो ब्लैक ब्लैक आ रहा है। तो ये इस तरह से मैंने आउटलाइन गायब कर दिया यहाँ पे। अब क्या करें हम?
आता हूँ मैं नीचे। तो बॉर्डर हमारा रिमूव हो गया इस तरह से। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि एरर का मैसेज मैं कहाँ दिखाता हूँ, तो प्रत्येक इनपुट टैग के नेक्स्ट एलिमेंट में, नेक्स्ट टैग में एरर दिखाता हूँ। तो इस दिस के माध्यम से मैं अपना इनपुट एलिमेंट, इनपुट टैग ले लेता हूँ, एक्सेस कर लेता हूँ फंक्शन में, लेकिन इनपुट टैग का नेक्स्ट एलिमेंट मतलब ये पैराग्राफ भी ले लूँ तो क्या होगा, तब होगा ये कि ये भी मिल जाएगा मुझे और मैं इसके अंदर जो डेटा एरर शो करता हूँ उसको मैं हटा सकूँगा। तो कैसे किया जाए, इस इनपुट टैग के लिए भी मैंने कॉल करा है फंक्शन, इस इनपुट टैग के लिए भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा। कैसे, तो कॉल करूँगा बाद में, पहले इसका एरर हटा के दिखाता हूँ मैं कैसे हटेगा। तो मैं आऊँगा नीचे, EL डॉट नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कर दूंगा। तो ये पैराग्राफ आ जाएगा मेरे पास, पी टैग आ गया। अब सिंपल सी बात है, पी टैग मिल ही गया, इनर एचटीएमएल को मैं क्या कर दूंगा खाली। अब देखिएगा क्या होता है, सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे फोकस आया, टाइप करना शुरू किया तो गायब हो गया। तो बॉर्डर कलर गायब हो गया और इनपुट में टैग गायब हो गया। अब यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा तो नहीं गायब होगा, नीचे ईमेल में भी एरर आया, यहाँ पे भी टाइप करूँगा तो ये गायब नहीं होगा। क्यों, ईमेल के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, पासवर्ड के लिए, इन सब के लिए भी मुझे मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो मैं कॉल करता हूँ ऊपर, ये देखिए इसी इनपुट को मैं कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, यहाँ पे टोटल मैं आके पेस्ट कर लूंगा। अब क्या होगा, इसके लिए जब मेथड कॉल हुआ ये वाला, तो दिस में जाएगा नेम वाला टैग और वहाँ पे मैंने इस ईएल में दिस जो है ईएल में रिसीव होगा और ईएल का मैं बॉर्डर कलर रिमूव कर दिया, मतलब दिस का रिमूव किया, मतलब इनपुट टैग का किया, और नेक्स्ट एलिमेंट से आ जाता है ये वाला, राइट। मैं आपको अगर कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग पी, तो आप देखिएगा क्या आएगा रिजल्ट। सेव कर दिया, तो जिसमें जिसमें कॉल किया, जिस टैग में मैंने फंक्शन कॉल किया उस टैग में दिस पास किया, और दिस का मतलब है करंट हमारा टैग, और उस करंट टैग का ही नेक्स्ट एलिमेंट में तो मैंने एरर शो कराया है और एरर को मैंने यहाँ पे HTML, इनर HTML के जरिए रिमूव कर दिया। रिजल्ट देखते हैं, हमारा मेथड काम करना चाहिए। सबमिट पे क्लिक किया, इस नेम आया, नेम में टाइप किया तो ये देखिए मैंने जितने बार टाइप किया है उतने बार फंक्शन कॉल हुआ है, और ये देखिए एक्सेस हुआ है एरर वाला। यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो ये देखिए मोबाइल वाला एक्सेस हो गया एरर मैसेज, ये देखिए। तो ये पैराग्राफ टैग पूरा मुझे एक्सेस हो जा रहा है इस नेक्स्ट एलिमेंट के कारण, इस पैराग्राफ में अगला एलिमेंट एरर वाला आ रहा है, ये सब एरर आ रहे हैं, ये वाला, राइट। तो मैं कंसोल डॉट लॉग गायब कर दूंगा, इसका अब जरूरत है नहीं, और सबमिट बटन पर क्लिक किया, पासवर्ड में आ रहा है, पासवर्ड में एंटर किया तो पासवर्ड का गायब हो गया, मैंने रीलोड नहीं किया क्या, चलिए नेम में एंटर किया, बॉर्डर हट गया। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे भी करूँगा, बॉर्डर हट जाएगा, एरर का मैसेज भी गायब होगा, ईमेल के लिए भी गायब हो जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड के लिए 1 2 3 कंफर्म पासवर्ड में बोल रहा है नो मैच, डी 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 डाल दिया, क्लिक करूँगा, फॉर्म जो है सबमिट हो गया हमारा सक्सेसफुली, ठीक है, हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ तक तो समस्या नहीं है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ ना, जैसे नेम में ए से लेके जेड तक कोई कैरेक्टर आ सकता है नेम में, लेकिन ये नंबर भी आ सकता है क्या, नंबर तो आएगा नहीं किसी का नाम, लेकिन सबमिट करूँगा तो नेम में तो ले लिया नंबर, तो हमें क्या करना है, हमें वैलिडेट करना है इस चीज़ को। कैसे वैलिडेट करेंगे हम नेम को, तो ऐसे परिस्थिति में रेगुलर एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल करेंगे, पैटर्न मैचिंग,
याद है आपको मैंने एक बार पासवर्ड वैलिडेशन के समय पे बताया था पैटर्न मैचिंग, वही पैटर्न मैचिंग का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, राइट? तो शुरू करें करना, क्या कहते हैं आप लोग? तो पैटर्न मैचिंग शुरू करते हैं। पैटर्न मैचिंग से पहले एक बार मैं पैटर्न मैचिंग को एक्सप्लेन करता हूँ, राइट? मैं इंटर दबाता हूँ, ये सब ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लेट में नेम ले लेता हूँ। नेम क्या होगा? CMANT। ये देखिए पैटर्न मैचिंग। मान लीजिए कि यूजर जो इनपुट कर रहा है वो नेम वाले वेरिएबल में स्टोर है ये, राइट? फिर मैं आऊँगा नीचे, लेट नेम अंडरस्कोर पैटर्न, ठीक? अब नेम पैटर्न में क्या बनाऊंगा मैं? सबसे पहले मैं दो ठो स्लैश दे दूंगा। ये क्या है? लिखने का सिंटेक्स है, राइट? एक दे दूंगा मैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये क्या है? लिखने का सिंटेक्स। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखूंगा वो कहलाएगा पैटर्न। तो क्या मैं पैटर्न लगाऊंगा? ए से लेकर के जेड तक, ठीक है? स्मॉल ए से जेड तक कोई कैरेक्टर टाइप कर सकता है नेम में, ठीक? कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक भी कुछ टाइप कर सकता है पैटर्न में, राइट? चलिए, ये हमारा बन गया पैटर्न। अब स्पेस भी तो दे सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में, तो मैं स्पेस भी दे दिया, क्लियर? इसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के आऊंगा बाहर, बाहर में मैं दे दूंगा। अभी क्या होगा? अभी का मतलब है कि सिर्फ एक कैरेक्टर मैच होगा, ठीक? सिर्फ एक कैरेक्टर। दिखा देता हूं आपको मैं मैच करके। इफ इफ पैटर्न में आऊंगा, पैटर्न को कॉपी किया मैंने, यहां पे पास किया, डॉट TEST, टेस्ट क्या है? फंक्शन जो कि पैटर्न को मैच करेगा। क्या टेस्ट करो? नेम को, इस नेम को आकर टेस्ट करो, ठीक है? अगर मैच टेस्ट फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? कंसोल डॉट डॉट लॉग डन डन, मतलब मैसेज जो है वैलिडेट हो गया मैं, राइट? इसी को मैं कॉपी करूंगा, एल्स यहाँ पे मैंने लिख पाया, यहाँ पे लिख दूंगा फेल्ड। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे लिख दिए ये, राइट? अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, डन आ गया। अब आप कहेंगे कि डन क्यों आ गया? हमें थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव करना पड़ेगा। क्या? मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा ये साइन, करेक्ट, ठीक है? ये साइन लगा दिया और एक साइन यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर का, और जो बीच में स्पेस दिया हूँ इसको रहने देता हूँ, स्पेस नहीं हटाता हूँ, ठीक? तो यहाँ पे लगा देते हैं आखिरी में डॉलर साइन, यहाँ पे लगाते हैं कैरेट साइन। इसका मतलब ये होता है कि जो पैटर्न है मेरा एग्जैक्ट यही मैच करो, राइट? अब मैं जो है रन करता हूँ प्रोग्राम, फेल्ड आ गया। क्यों? बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मैंने हटा दिया, एक कैरेक्टर करा, ठीक? डन आ गया। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए से जेड के अंदर एस आता है, लेकिन एक स्पेस दे दिया यहाँ पे, तो ये दो कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे फेल्ड आ गया, ठीक? तो मैं पूरा नाम लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है? और अब क्या होगा? मुझे देना पड़ेगा, ये देख, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट मिनिमम साइज कितना होगा, मैंने 3 दे दिया। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम साइज कितना होगा, मैंने इसको 10 दे दिया, मैक्सिमम साइज 10 होगा, राइट? इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतना हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 2 9 12 13, हाँ सही है। तो अब जो है मेरा वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है। क्यों? 13 हो गया, ठीक? 3 ये हो गया, 6 ये हो गया, 6 नाम हो गया, 6 ये हो गया,
तो 6 6 12 और बीच में एक स्पेस 13 हो गया, और यहाँ तो 10 है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 20, मैक्सिमम 20। अब देखिएगा क्या आएगा, डन आ गया। यहाँ पे मैं स्पेस दिया हूँ, क्यों, यहाँ पे खाली एक स्पेस दिया गया है, इसलिए स्पेस हटाऊंगा तो भी हमारा मैच नहीं करेगा। ये देखिए फेल हो गया ना, तो स्पेस एक दे देंगे तो मैच हो गया। यहाँ पे मान लीजिए मैं नंबर दे देता हूँ 10, तो क्या आप मैच करेगा, नहीं मैच अब नहीं करेगा। ये देखिएगा फेल हो गया, तो मैं नंबर हटा देता हूँ राइट, और यहाँ पे मैं आ गया, ये देखिए डन आ गया। तो ये पैटर्न, ये रेगुलर एक्सप्रेशन समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं है इसमें, क्या कहते हैं आप लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। अब ये जो पुराना मैंने कोड लिख रखा है, इसी में मैं कुछ संशोधन करूंगा, कुछ एडिटिंग करूंगा इसी में, ठीक। पिछले चैप्टर में इन सबको पढ़ ही लिए थे, तो इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, तो मैं इसी में थोड़ा बदलाव करता हूँ। सबसे ऊपर मैंने कुछ वेरिएबल बनाता हूँ, बनाऊंगा जो कि पैटर्न को मैच करे, पैटर्न रहेगा मेरा। तो ये वाला जो पैटर्न है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और जाता हूँ ऊपर, यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट राइट, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब नीचे मैं आता हूँ, नेम मेरा कहाँ आ रहा है, यूजर से, यूजर से नेम मैं ले रहा हूँ इस नेम वाले वेरिएबल में राइट, नेम का पैटर्न मेरा ये है ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो इफ के अंदर है ना, इफ के अंदर इतना खाली, सिर्फ इतना लाइन ठीक है, सिर्फ इतना वाला लाइन, इसको करूँगा कॉपी और जाऊँगा मैं ऊपर ठीक। और ये जो वैल्यू यहाँ पे जो था ना पैटर्न, यहाँ पे सिर्फ आऊँगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट ठीक। ये देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, पेस्ट किया है उसी पैटर्न को ठीक। ये नेम पैटर्न कहाँ है, ये वाला है देखिए ऊपर यहाँ पे, और ये कौन सा नेम है, ये वाला नेम है जो यूजर इनपुट कर रहा है। नीचे तो मैंने हार्ड कोड किया था यहाँ पे नेम ठीक, तो ये किसी काम का नहीं है, इसको मैं अब कमेंट करता हूँ, थोड़ी देर में फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये देखिए तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए आप। अब आता हूँ मैं ब्राउजर में ठीक, यहाँ पे पहले क्या होता था, नंबर भी देते थे तो ले लेता था, का अब भी लेगा, देखते हैं लेता है कि नहीं, ये तो ले लिया। ओ सॉरी, ये ले इसलिए रहा है, ये नेम यहाँ पे आ रहा है ना, नेम का इनपुट टैग आ रहा है, यहाँ पे नेम में डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा हमको राइट। तो वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पे और फिर देखते हैं ये अभी ले लेता है कि नहीं लेता है। सबमिट किया तो ये तो वैलिडेशन अब काम ही करना बंद कर दिया, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारा होगा, सभी को कमेंट मार दे रहा हूँ ठीक है। आया मैं यहाँ पे, मेरे को क्या करना चाहिए था, यहाँ पे नॉट लगाना चाहिए था ठीक है, यहाँ पे मुझे नॉट लगाना चाहिए था, क्योंकि टेस्ट क्या करता है, रिटर्न करता है ना। ये देखिए इस तरह से मुझे इस तरह से करना चाहिए था ठीक है, मैं यही गड़बड़ कर रहा था, ये अब सिंटेक्स एरर बोलने लगा, क्यों एरर बोल रहा है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे है, इफ का कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद हुआ, ये लाइन नंबर कितने में बना रहा है एरर। मैंने इफ को प्रॉपर नहीं बंद कर रखा है, यहाँ पे देखिए अब प्रॉपर ये चलेगा। ये देखिए सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए वैलिडेशन काम करने लगा, यहाँ पे मैं नंबर दे दे रहा हूँ ठीक। अब फिर से मैं क्लिक किया, फिर बोल रहा है इंटर नेम, क्यों, हमारा वैलिडेशन अब काम करना शुरू कर दिया ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे हम, तब ये काम करना शुरू कर देगा राइट। इंटर नेम के जगह पे लिखेंगे इंटर वैलिड नेम ठीक है, वैलिड नेम एंटर करो भाई, ऐसे हम गुजारा नहीं होने देंगे ऐसे ठीक।
नेम टाइप करा यहाँ पे, नंबर भी टाइप कर दिया, तो नंबर तो होता नहीं, तो यहाँ पे फिर बोलेगा वैलिड नेम टाइप करो, ठीक। और जैसे ही यहाँ से हम 4 को हटा देंगे, तो देखिए सबमिट हो गया फॉर्म, राइट। तो इस तरह से जो है ये काम हमारा हो जाएगा, तो इसमें तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। जितना भी मैं कोड कमेंट किया था, इसको फिर से अनकमेंट करता हूँ मैं, अनकमेंट कर दिया मैंने, ठीक। यहाँ पे और यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस है, इसको मैं कर दूंगा गायब, ठीक। अब फिर से मैं चलाता हूँ प्रोग्राम, क्या अब भी मेरा प्रोग्राम काम कर रहा है? किया, सबमिट पे क्लिक, तो ये देखिए नंबर डाला, एरर तो हट गया, लेकिन फिर से जो है वैलिड नेम बोल रहा है, और वैलिड मैं नेम यहाँ पे टाइप करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए प्रॉपर मेरा नेम वाला वैलिडेशन हमारा परफेक्ट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना। चलिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। अब फिर अब हम क्या करेंगे, नेम का तो वैलिडेशन हमने कर लिया, अब हमें करना है मोबाइल नंबर का वैलिडेशन, मोबाइल नंबर का वैलिडेशन कैसे करेंगे हम? देखिए सबसे पहले मैं पैटर्न बनाता हूँ, लेट मोबाइल अंडरस्कोर पैटर्न, ठीक। तो पहले ये साइन दे दूंगा, फिर ये साइन दूंगा और डॉलर साइन दे दूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा कर्ली ब्रेसेस, ये हमारा सिंटेक्स हो गया, ठीक। अब इसके अंदर हमें क्या-क्या लिखना है, ठीक है, इसी के अंदर हमें सारा कोड लिखना होगा, क्या? तो ये दे दिया मैं पहले। भारत देश का मोबाइल नंबर कैसा होता है कि सबसे पहले 6 7 8 9, पहला डिजिट तो ये होता है भारत देश का मोबाइल नंबर, राइट। ये होने के बाद कुछ भी अंक हो सकता है, राइट। पहले होता है मोबाइल नंबर, नहीं, सॉरी, पहले ये डिजिट होगा 6 7 8 9, फिर कुछ भी अंक हो सकता है। टोटल संख्या कितना होता है? टोटल संख्या 10 होता है। तो हम वही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे, तो पहला स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 6 7 8 9, ठीक। बाहर आएंगे, इतने पैटर्न का मतलब है एक कैरेक्टर, राइट। इतने पैटर्न का मतलब एक कैरेक्टर ही है ना, क्यों, क्या कहते हैं? इसके बाद हमें फिर से चाहिए 9 डिजिट, तो 9 डिजिट के लिए मैं अलग से पैटर्न बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 0 -9, ठीक। पहले बार में जो लिखा मतलब है एक कैरेक्टर, मतलब पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, 0 7 8 9। दूसरे में क्या होना चाहिए, 0 से 9 तक कोई भी डिजिट चलेगा। फिर यहाँ पे बाहर आऊंगा, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या होना चाहिए, टोटल 9 डिजिट होना चाहिए, 9 लिख दिया। 9 क्यों, एक डिजिट में तो आ जाएगा 6 से लेकर 9 तक, तो एक डिजिट खत्म, फिर बचेगा 9 डिजिट जिसमें क्या आएगा, 0 से 9 तक। तो इस 0 से 9 तक में कितना संख्या होना चाहिए, 9, और 6 से लेकर 9 तक जो होगा वो एक कैरेक्टर हो जाएगा, तो टोटल 10 डिजिट हो गया, क्लियर है? तो इस पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, दिक्कत क्या कहते हैं आप लोग? इस पैटर्न को जो है मैं अलग अलग वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, राइट। अब ऐसे ही स्टोर ना करके आप चाहें तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऐसे लेट पैटर्न इस तरह से, और यहाँ पे जो है नेम के लिए ऐसे करके पैटर्न वगैरह बना लीजिएगा आप चाहें तो, करेट डॉलर, और इसके अंदर जो है इस तरह से पैटर्न मैं नहीं बना रहा हूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, राइट। छोटे लाल जी तो निकल लिए भाई, कोई बात नहीं। तो वही पैटर्न तो हमारा बन चुका, अब यहाँ पे आके हम इम्प्लीमेंट करेंगे सिर्फ, क्या? तो हमारा पैटर्न कहाँ है, ऊपर, ये है मोबाइल पैटर्न को करूँगा मैं कॉपी, और फिर यहाँ पे आऊँगा
पैटर्न पेस्ट किया, डॉट TEST टेस्ट किया, स्क्वायर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर डाल दिया मैं वैल्यू, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं नॉट, राइट। तो नॉट से मतलब है कि ये टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता तब तो ट्रू देगा, लेकिन नहीं होता तब जो है ये काम करो। चेक करते हैं मोबाइल के लिए हमारा काम होता है कि नहीं। चलिए, तो नेम, नेम में मैं डाल देता हूँ, नेम डाल दिया, फिर मैं डालता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में नेम डाल देता हूँ तो नहीं लिया, मैं ये नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं सबमिट करके, बोल रहा है इंटर वैलिड नंबर, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 9 कर दूंगा, तब जा कर के ये ले लिया, देखिए, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, दिक्कत। हेलो अरविंद जी, क्या कहते हैं, दिक्कत इसमें नहीं है? है नहीं दिक्कत? चलिए, अब अगला आता है ईमेल। टाइम कितना, 45 हो गया, 1 मिनट तो खत्म ही कर देते हैं। अब आता है मोबाइल का, तो हो गया, आता है अब ईमेल। ईमेल के केस में हम क्या करेंगे, ईमेल के लिए भी एक पैटर्न मैं बना लेता हूँ। लेट ईमेल अंडरस्कोर पैटर्न, पैटर लिख के पैटर्न पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए, आप भावनाओं को समझ रहे हैं, अच्छी बात है। और यहाँ कैरेट डॉलर, इसी के बीच में मैं कोड लिखूँगा। ध्यान रहे इन सब में स्पेस उस्पेस नहीं होगा ना। थीम में आऊँगा मैं, सब लाइन थीम डिफॉल्ट करता हूँ, मुझे डिफॉल्ट थीम। क्या कलर में बदलता है क्या? हाँ कलर अब सही है, मुझे वो कलर पसंद नहीं आ रहा था। और कुछ है क्या? ये कलर रख लेते हैं, कलर तो सही है अरविंद जी। तो ईमेल के लिए क्या लिखेंगे हम? नीचे मैं एक ईमेल लिखता हूँ, किसी और का नहीं, मेरा ही ईमेल है, 00@gmail.com। मैं ओपन और क्लोज कर देता हूँ, इसी के अंदर पैटर्न लिखूंगा। तो सबसे पहले वाला डिजिट यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या होना चाहिए? 8 के लेफ्ट साइड वाला पैटर्न का मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें हो सकता है ए से लेकर जेड तक, फिर ए से लेकर जेड तक होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, अंडर स्कोर भी होता है क्या? चलिए ले लेता हूँ, डॉट भी होता है, 0 से लेकर 9 तक कोई वर्ड भी यूज कर लेगा, राइट। अब ये पैटर्न कितने डिजिट का होना चाहिए? तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस में दे दूंगा, मिनिमम 3 कैरेक्टर, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर, इससे ऊपर नहीं चलेगा, राइट। तो अभी एक्सप्रेशन लिखा हूँ सिर्फ इतने के लिए, ठीक। इसके बाद क्या होगा, 8 हो सकता है, राइट। 8 के बाद क्या होगा, gmail.com जो लिखा है उसके लिए देखते हैं। तो हम गूगल से बनाते हैं तो जीमेल होता है, याहू से बनाएंगे तो yahoo.com होगा, या आपका या मेरा या किसी और का खुद का वेबसाइट होगा तो उसका डोमेन नेम होगा, ठीक है, जैसे कुछ facebook.com, google.com या फिर कुछ भी .com, ठीक है। तो 8 के बाद क्या होना चाहिए? तो 8 के बाद कुछ भी होगा तो चलेगा, क्या क्या कुछ भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे
ई स्मॉल ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके जेड तक, और क्या हो सकता है? मैं इतना ही छोड़ दे रहा हूँ, राइट? चलिए, उसके बाद ये कितना कैरेक्टर होगा? एट द रेट के बाद ये जो जीमेल वाला सेक्शन है, ये कितना कैरेक्टर होगा? तो ये हो सकता है मिनिमम 3 कैरेक्टर, मैक्सिमम 50 कैरेक्टर। अब बड़ा भी डोमेन हो सकता है, जैसे facebook.com, गूगल तो छोटा हो गया, या फिर जो भी .com है, बड़ा वेबसाइट होगा, वेबसाइट का नाम तो बड़ा आ जाएगा, तो मैं 50 लिखा। उसके बाद क्या हो सकता है? एक ठो डॉट हो सकता है। ये कौन सा डॉट है? ये वाला डॉट है, राइट? ये कितना हो सकता है? एक ठो सिर्फ। तो यहाँ पे मैं बाहर आके ऐसे लिख सकता हूँ 1, ठीक? ना लिखो तो हर्जा नहीं है, ठीक है? नहीं लिखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इसे आप टेस्ट करिएगा एक बार, होता है कि नहीं होता है, ठीक है? चलिए, फिर उसके बाद डॉट के बाद एक कॉम लिखा है, कॉम में क्या क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ, सॉरी, हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, इसके अंदर ए से लेकर जेड तक, या फिर बड़ा ए से लेकर के बड़ा जेड तक, ठीक? लेकिन एक कॉम जो है, कॉम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए? तो कभी कॉम होता है तो ORG होता है, तो लिंक होता है, तो कुछ भी होता है, ORG, लिंक, TK, या पता नहीं क्या क्या होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिजिट मानूंगा, तो मैं मान लेता हूँ कि मिनिमम डॉट इन है, इन 2 कैरेक्टर का है, तो मिनिमम 2 कैरेक्टर, मैक्सिमम 5 कैरेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है? मैक्सिमम हो जाएगा हमारा 5 कैरेक्टर। अब ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो चुका है, ठीक है? अब इसी को हम क्या करेंगे? टेस्ट। तो इस पैटर्न को मैं क्या करता हूँ? कॉपी करता हूँ, एक बार टेस्ट करते हैं इस पैटर्न को। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बैटरी चार्ज। कॉपी, आता हूँ मैं नीचे, और यहाँ पे जो मैं टेस्ट करने के लिए सब लिखा था, यहाँ पे आ जाता हूँ, पेस्ट किया ऐसे, ईमेल इक्वल टू ऐसे, लेफ्ट, ये देखिए, यहाँ पे ईमेल डालूंगा, ये वाला पैटर्न यहाँ पे मैं डाल दूंगा, रन करता हूँ प्रोग्राम। बोल रहा है इनवैलिड टोकन लाइन नंबर 55। 55 लाइन नंबर पे देखते हैं क्या है। पचपन 55, ये इसको बोल रहा है, तो ये तो भाई इनवैलिड है ही है, तो बोलना ही चाहिए। डन आ रहा है, ठीक? मान लीजिए कि यहाँ पे एलिमेंट में मैं डॉलर का साइन दे देता हूँ, ईमेल में डॉलर का साइन तो एट द रेट के पहले कहीं है ये नहीं है, तो ये एरर आना चाहिए, फेल आना चाहिए। देखते हैं, फेल आ गया, देखिए। तो इसी तरह से हो जाएगा ये वैलिडेट, ठीक है? अब बात हो रहा था इसका कि डॉट एक ठो है, ठीक है? तो अभी तो डन आ रहा है ना, लेकिन इसको मैं गायब कर दिया 1 को। अब टेस्ट करते हैं, तो अब टेस्ट करेंगे तो भी डन ही आएगा। तो हमने मोबाइल नंबर में जो वैलिडेशन किया था ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी हम ऐसे लिख देते हैं क्या? 1 कैरेक्टर ऐसे लिख देते, 1 कैरेक्टर, लेकिन काहे के लिए एक्स्ट्रा लिखे हैं? इसका मतलब ये 1, ठीक है? कुछ ना लिखे मतलब 1 कैरेक्टर। तो ईमेल का जो है वैलिडेशन, इस तरह से हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? रन करता हूँ, यहाँ पे डन आ रहा है। अब इन सभी पैटर्न को मैं करूंगा कमेंट। सॉरी, मैं कहाँ चला गया, कमेंट कर देता हूँ इन सभी को, और फिर जाऊंगा ऊपर, कहाँ पे ईमेल है, ईमेल का पैटर्न को मैं किया कॉपी। अब आता हूँ मैं नीचे, ये है ईमेल, यहाँ पे मैं पेस्ट किया ऐसे, डॉट टेस्ट, और फिर यहाँ पे ईमेल वाला जो वैल्यू है,
यहाँ पे मैं पेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं नॉट लगाऊंगा, काहे, मैच हो जाएगा तब तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट, लेकिन मैच नहीं होता है तब, ठीक है, मैच हुआ, ठीक है, टेस्ट जो है रिटर्न करेगा फाल्स, टेस्ट जो है रिटर्न कर देगा फाल्स, तो नॉट का चिन्ह लगा है, तो फाल्स में नॉट लगा दिया तो ट्रू हो गया, और जब ट्रू हो गया तो आ जाएगा यहाँ पे और एरर है शो कर देगा एरर, देखते हैं काम करके। नेम डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, क्यों हो गया भाई, यहाँ पे है मोबाइल पैटर्न, कॉपी करूँगा, मोबाइल पैटर्न का जो यहाँ पे स्पेलिंग था यही गलत है जो है, तो इसीलिए आ रहा है एरर। अब ईमेल में सब कुछ सही है, अब मैं जो है प्रोग्राम को चलाऊँगा, अब मेरा जो है प्रॉपर काम करेगा, तो यहाँ पे टाइप कर दिया नेम, मोबाइल नंबर में टाइप कर देता हूँ, फिर भी वैलिडेट कर रहा है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब जो ईमेल है, ईमेल में मैं कुछ भी टाइप कर दिया तो एरर बता रहा है, gmail.2 करेक्टर दिया तो भी बोल रहा है, ये देखिए ले लिया, अब मान लीजिए 8 द रेट को गायब कर देता हूँ तो नहीं लेगा, 8 द रेट को रख दूंगा, यहाँ पे जो है ऐसे कर दूंगा तो जो है तो भी देखिए बोल रहा है, तो डॉट यहाँ पे देना पड़ेगा, मान लीजिए डॉलर साइन दे देता हूँ मैं यहीं तो भी वैलिडेट कर रहा है, राइट, तो वैलिडेट है प्रॉपर, ईमेल हमारा प्रॉपर जो है वैलिडेट होने लगा, तो ईमेल वैलिडेट तो हो गया हमारा। अब आते हैं पासवर्ड वैलिडेट पे, तो ये पैटर्न जो है ये बन गया ईमेल का। अब क्या करेंगे हम, पासवर्ड को हमें अब वैलिडेट करना है, तो पिछले बार हमने जो पढ़ा था ना, पिछले बार पासवर्ड वैलिडेशन पिछले क्लास में, वही पासवर्ड का वैलिडेशन का टेक्निक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपर कैस ले लेता हूँ, अपर कैस के लिए यू मैं कर लूँगा, राइट, ऐसे यहाँ पे दे दूँगा कैपिटल ए से लेकर के जेड तक, वही सारे है मेरा प्रॉपर, हेलो, प्रॉपर आ रहा होगा मेरा वॉइस, ठीक, चलिए ए से लेकर के जेड तक, फिर उसके बाद लेट लोअर केस, एल माने लोअर केस, अब इसमें मैं क्या करूँगा, ए से लेकर के जेड तक, राइट, फिर लेट क्या करूँगा यहाँ पे, इंटरनेट मेरा डाउन है क्या, मैसेज करिएगा अरविंद जी सही सलामत है कि नहीं वॉइस वगैरह मेरा, फिर नंबर हमारा न्यूमेरिक भी होना चाहिए, तो 0 से लेकर के 9 तक, स्पेशल कैरेक्टर भी तो होना चाहिए हमारे पासवर्ड में, तो लेट स्पेशल कैरेक्टर, इसमें मैं क्या कर दूंगा ऐसे, और इसके अंदर मैं सारा स्पेशल कैरेक्टर जितना कीबोर्ड में है टाइप कर दिया, हो गया ये भी, इसको मैं आता हूँ कॉपी करूँगा और आ जाता हूँ मैं नीचे, यहाँ पे मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ पहले ऐसे, तो यहाँ पे हमें एक बार में सारे कंडीशन को चेक करने हैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ पासवर्ड नाम से, यहाँ पे ए सी एम ए एन टी डाल दिया मैंने, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले मैं अपर केस चेक करूंगा, तो यू डॉट टी एस टी, एस टी टेस्ट, किसको टेस्ट करना है, पासवर्ड को, पासवर्ड में टेस्ट करो अपर केस है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो उसके बाद चेक करो क्या एंड लोअर केस, तो मैं एल लिखूंगा फिर एंड लगाऊंगा, फिर चेक कर लो न्यूमेरिक, न्यूमेरिक है कि नहीं, फिर क्या चेक कर लो ये स्पेशल कैरेक्टर है कि नहीं, ये स्पेशल कैरेक्टर। ये जब सारा मैच हो जाए राइट, तब जा करके आप क्या चेक करिए, तब कह दीजिए डन, अन्यथा गलत। रन करता हूँ प्रोग्राम। मैं सभी में भर देता हूँ कुछ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पासवर्ड में क्या लिखा, यहाँ पे देखिए फेल आ रहा है, भरने का जरूरत नहीं, फेल आ गया। क्यों फेल आ गया, क्योंकि नेम में क्या है, सिर्फ अपर, लोअर केस, मैं इसको अपर कर दिया, अब देखूंगा तो भी फेल्ड बता रहा है। एक ठो नंबर दे देता हूँ आखिरी में, वन लिख दिया वन, अब क्या करूँगा, अब भी जो है फेल्ड बता रहा है। एक ठो डॉलर का साइन देके स्पेशल कैरेक्टर दे दिया, अब टेस्ट करूँगा तो क्या बताएगा, तो अभी भी फेल्ड ही बता रहा है। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में हमें लॉक करना पड़ेगा, यही एरर है। डन आ गया राइट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ इन टोटल को, राइट, कट किया और यहाँ पे पासवर्ड डॉट वैल्यू करा, यहाँ पे वैल्यू किया, यहाँ पे भी पासवर्ड डॉट वैल्यू, और यहाँ पे भी पासवर्ड डॉट वैल्यू, और जाऊँगा ऊपर एक्सप्रेशन में मैं लगा दूंगा ये ब्रैकेट। अब जो है वैलिडेट करके देखते हैं काम करता है हमारा प्रॉपर या नहीं। तो फिर बोला इंटर वैलिड नेम, तो यहाँ पे एस सी एम डाल दिया, वैलिड हो गया। मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। ईमेल मांग रहा है, ईमेल gmail.com, मान लीजिए हटा दिया डॉट तो भी बोलेगा, तो डॉट पासवर्ड में ये पासवर्ड दिखाई दे रहा है, दिखाई देना नहीं चाहिए, आप सोच रहे होंगे ये मैच क्यों नहीं हुआ भाई पासवर्ड में, देखते हैं क्यों नहीं मैच हुआ। यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे राइट, तो इस तरह से जो है एक ब्रैकेट यहाँ पे और लगाएंगे राइट। नहीं, ये ब्रैकेट तो गलत हो गया। अब चेक करते हैं इसका ओपनिंग, सबसे एक आखिरी वाला, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये है, ये एक ब्रैकेट यहाँ पे एक्स्ट्रा है राइट। तो अब का हमारा जो कोड है ये है राइट, आप देख लीजिए इस तरह का हमने कोड लिखा है। इन सभी को हमने किया इवेलुएट, आखिरी में नॉट लगा के चेक कर लिया राइट। इस तरह से हम अब करेंगे तो काम करेगा। थोड़ा सा लॉजिक हमारा गलत हो रहा था, अब ये हटना दो। तो ये कर्ली ब्रेसेस कुछ एरर दे रहा है हमारा, क्या एरर दे रहा है, 1 सेकेंड, एक ब्रैकेट इधर पे और देना पड़ेगा हमें यहाँ पे आखिरी में, तो दे दिया हमें। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम रन कर देंगे, तो यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट जो है कर दिया मैंने, रन करता हूँ प्रोग्राम। टेस्ट करते हैं, नेम में न्यूमेरिक दिया, फिर जो है आ गया वैलिड नेम, ये दे दिया, मोबाइल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया, एट द रेट
टेक डॉट ले लिया। पासवर्ड देखते हैं, नहीं ले रहा है। कैपिटल दे दिया, फिर बोला एंटर वैलिड एट द रेट, तो फिर बोला एंटर पासवर्ड 1 दे देंगे तो आ जाएगा। राइट, एक जा रहा है। अब नोट पासवर्ड, तो इसी पासवर्ड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। सबमिट मारेंगे तो सबमिट हो जाएगा। लेकिन पासवर्ड में जो हम एरर दे रहे हैं, मैसेज वो गलत तरीके से दे रहे हैं ईमेल, पासवर्ड में हम क्या लिखें, इंटर पासवर्ड अपर केस लोअर केस न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैर, आप लिख लेना स्पेशल कैर। तो इस तरह से हम देंगे तो हमारा वैलिडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 1 सेकेंड का टाइम देना मुझे। तो हमारा वैलिडेशन यहाँ पे हो चुका कंप्लीट। मैं ऊपर से नीचे तक पूरा कोड दिखा देता हूँ आपको। ये है पूरा, आप फोटो खींच लो यहाँ तक से। यहाँ तक फोटो खींच लिया आपने तो यहाँ तक देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। अब यहाँ तक देख लीजिए, फिर इसके बाद पूरा कोड आप देख लो। ये भी देख लो आप पूरा। ठीक है, आप काम करिए। बेशक समय थोड़ा ज़्यादा लगा है, पर हमने काम कर लिया ठीक ठाक। गुड नाइट।